नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैक्टोइडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो डिफेंस लवर्स के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कौन कौन सी रैंक्स होती है, इन रैंक्स का सही क्रम क्या होता है और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इक्विवेलेंट रैंक्स क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेस्ट फोर्सेस में से एक है और हमारी तीनों ही सेना का काम है हमें अलग अलग जगह से प्रोटेक्ट करना। इंडियन आर्मी हमें जमीनी सुरक्षा देती है, इंडियन एयरफोर्स हमें आसमानी सुरक्षा देती है और इंडियन नेवी हमें समुद्री खतरों से सुरक्षित करती है। तीनों ही सेना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है और इतनी बड़ी सेना को संचालित करने के लिए अलग अलग रैंक्स के ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं डिफरेंट रैंक्स के बारे में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की रैंक स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। नंबर 1, कमिशन्ड ऑफिसर्स, इसमें टोटल 10 रैंक्स होती है। नंबर 2, जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर्स, JCO, इसमें 3 रैंक्स होती है। नंबर 3, नॉन कमिशन्ड ऑफिसर्स, NCO, इसमें भी 3 रैंक्स होती है। आइए अब जानते हैं कमिशन्ड ऑफिसर्स की फर्स्ट रैंक के बारे में। इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के इक्विवेलेंट रैंक्स को एक साथ जानेंगे। फर्स्ट रैंक इंडियन एयरफोर्स की होती है फ्लाइंग ऑफिसर। इनके शोल्डर एपोलेट्स पे इंसिग्निया होता है, दो डार्क ब्लू स्ट्रिप्स के बीच एक स्काई ब्लू स्ट्रिप। इंडियन आर्मी की फर्स्ट रैंक होती है लेफ्टिनेंट की। इनके शोल्डर एपोलेट्स पे इंसिग्निया होता है, 2 5 पॉइंटेड स्टार्स। और इंडियन नेवी की फर्स्ट रैंक होती है सब लेफ्टिनेंट की। इनके शोल्डर एपोलेट्स पे इंसिग्निया है, एक गोल्डन स्ट्रिप जिसपे एक लूप होता है। इंडियन आर्म फोर्सेज में कमीशन होने पे ये सभी फर्स्ट रैंक होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 10 के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमिशन्ड ऑफिसर्स की सेकंड रैंक के बारे में। सेकंड रैंक की बात करें तो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के इंसिग्निया में 2 सेम स्ट्रिप्स होती है, कैप्टन के इंसिग्निया में 3 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं और लेफ्टिनेंट के इंसिग्निया में 2 गोल्डन स्ट्रिप जिसपे एक लूप होता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कमिशन्ड होने पे ये सभी सेकंड रैंक होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 10B के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमिशन्ड ऑफिसर्स की थर्ड रैंक के बारे में। थर्ड रैंक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के इंसिग्निया में 3 सेम स्ट्रिप्स होती है, आर्मी के मेजर के इंसिग्निया में नेशनल एम्बलम होता है और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के इंसिग्निया में 3 गोल्डन स्ट्रिप जिसपे एक लूप होता है और मिडल वाली स्ट्रिप की थिकनेस थोड़ी कम होती है। ये सभी थर्ड रैंक्स होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 11 के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की फोर्थ रैंक के बारे में। फोर्थ रैंक एयरफोर्स के विंग कमांडर के इंसिग्निया में 3 स्ट्रिप्स होती है जिसमें मिडल वाली थोड़ी पतली होती है, आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के इंसिग्निया में 1 5 पॉइंटेड स्टार और एक नेशनल एम्बलम होता है और नेवी के कमांडर के इंसिग्निया में 3 सेम साइज की गोल्डन स्ट्रिप जिसपे एक लूप होता है। ये सभी फोर्थ रैंक्स होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 12 के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की फिफ्थ रैंक के बारे में। फिफ्थ रैंक एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के इंसिग्निया में 4 सेम साइज की स्ट्रिप्स होती है, आर्मी के कर्नल के इंसिग्निया में 2 5 पॉइंटेड स्टार और एक नेशनल एम्बलम होता है और कॉलर पे 1 गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड स्ट्रिप होती है और नेवी के कैप्टन के इंसिग्निया में 4 सेम साइज की गोल्डन स्ट्रिप जिसपे एक लूप होता है। ये सभी फिफ्थ रैंक्स होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 13 के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की सिक्स्थ रैंक के बारे में। सिक्स्थ रैंक एयरफोर्स के एयर कमोडोर के इंसिग्निया में 2 मोटी डीप ब्लू स्ट्रिप के बीच में स्काई ब्लू स्ट्रिप होती है और कॉलर पे वेन व्हाइट स्टार होता है, आर्मी के ब्रिगेडियर के इंसिग्निया में 3 5 पॉइंटेड स्टार और एक नेशनल एम्बलम होता है और कॉलर पे एक गोल्डन स्टार होता है और नेवी के कॉमोडोर के इंसिग्निया में एक थिक गोल्डन स्ट्रिप जिसपे एक लूप होता है। ये सभी सिक्स्थ रैंक्स होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 13 के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की सेवंथ रैंक के बारे में। सेवंथ रैंक एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल के इंसिग्निया में 2 स्ट्रिप होती है जिसमें नीचे वाली मोटी होती है और ऊपर वाली की थिकनेस कम होती है और कॉलर पे 2 व्हाइट स्टार होते हैं, आर्मी के मेजर जनरल के इंसिग्निया में एक क्रॉस्ड सोर्ड और बटॉन और एक 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं और कॉलर पे 2 गोल्डन स्टार होते हैं और नेवी के रियर एडमिरल के इंसिग्निया में 2 8 पॉइंटेड स्टार, क्रॉस्ड सोर्ड एंड टेलीस्कोप और ऑक्टागोनल शेप में नेशनल एम्बलम होता है। ये सभी सेवंथ रैंक्स होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 14 के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की 8th रैंक के बारे में। 8th रैंक एयरफोर्स के एयर मार्शल के इंसिग्निया में 3 स्ट्रिप होती है जिसमें नीचे वाली मोटी होती है और ऊपर वाली 2 स्ट्रिप की थिकनेस कम होती है और कॉलर पे 3 व्हाइट स्टार होते हैं, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के इंसिग्निया में एक क्रॉस्ड सोर्ड और बटॉन और एक नेशनल एम्बलम होते हैं और कॉलर पे 3 गोल्डन स्टार होते हैं और नेवी के वाइस एडमिरल के इंसिग्निया में 3 8 पॉइंटेड स्टार,
क्रॉस्ड सोर्ड एंड टेलीस्कोप और ऑक्टागोनल शेप में नेशनल एम्बलम होते हैं। ये सभी 8 रैंक्स होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 15 के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की 9th रैंक के बारे में। 9th रैंक एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के इंसिग्निया में 4 स्ट्रिप होती है जिसमें नीचे वाली मोटी होती है और ऊपर वाली 3 स्ट्रिप की थिकनेस कम होती है और कॉलर पे 4 व्हाइट स्टार होते हैं। आर्मी के जनरल के इंसिग्निया में एक क्रॉस्ड सोर्ड और बटॉन, एक 5 पॉइंटेड स्टार और एक नेशनल एम्बलम होते हैं और कॉलर पे 4 गोल्डन स्टार होते हैं और नेवी के एडमिरल के इंसिग्निया में 4 8 पॉइंटेड स्टार, क्रॉस्ड सोर्ड एंड टेलीस्कोप और ऑक्टेगनल शेप में नेशनल एम्बलम होते हैं। ये सभी 9th रैंक्स होती है जिनकी सैलरी पे स्केल 17 के अंतर्गत आती है। आइए अब जानते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की 10th रैंक के बारे में। 10th रैंक एयरफोर्स के मार्शल के इंसिग्निया में 5 स्ट्रिप होती है जिसमें नीचे वाली मोटी होती है और ऊपर वाली 4 स्ट्रिप की थिकनेस कम होती है और कॉलर पे 5 व्हाइट स्टार होते हैं। आर्मी के फील्ड मार्शल के इंसिग्निया में एक क्रॉस्ड सोर्ड और बैटन और एक नेशनल एम्बलम होता है और कॉलर पे 5 गोल्डन स्टार होते हैं और नेवी के एडमिरल ऑफ द फ्लीट के इंसिग्निया 5 गोल्डन स्ट्रिप विद लूप होता है जिसमें से नीचे वाली स्ट्रिप की थिकनेस बड़ी होती है। ये सभी सेरेमोनियल या वॉर टाइम रैंक्स होती है जो एयरफोर्स में सिर्फ एक बार श्री अर्जन सिंह को अवार्ड हुई है। आर्मी में सिर्फ 2 बार मिस्टर सैम मनेकशॉ एंड मिस्टर कुदंदिरा एम करियाप्पा को अवार्ड हुई थी और नेवी में अभी तक ये रैंक अवार्ड नहीं हुई है। इस रैंक की सैलरी पे स्केल 18 के अंतर्गत आती है और सैलरी लगभग 2,50,000 के आसपास होती है। आइए अब जानते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की फर्स्ट रैंक्स के बारे में। फर्स्ट रैंक इंडियन एयरफोर्स के JCO की होती है, जूनियर वारंट ऑफिसर। इनका इंसिग्निया होता है हिमालयन ईगल जिसके पंख फैले हुए होते हैं और इसके ऊपर अशोका नेशनल एम्बलम एक नेवी ब्लू सर्कल के अंदर होता है। इंडियन आर्मी के JCO की फर्स्ट रैंक होती है नायब सूबेदार। इनका इंसिग्निया होता है एन गोल्डन स्टार विद अ स्ट्राइप और इंडियन नेवी के JCO की फर्स्ट रैंक होती है चीफ पेटी ऑफिसर। इनका इंसिग्निया होता है गोल्डन सर्कल में एक गोल्डन एंकर। इंडियन आर्म फोर्सेस के JCO बनने पर ये सभी फर्स्ट रैंक्स होती है। आइए अब जानते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की सेकंड रैंक्स के बारे में। सेकंड रैंक इंडियन एयरफोर्स के JCO की होती है वारंट ऑफिसर। इनका इंसिग्निया नेवी ब्लू सर्कल में एक नेशनल एम्बलम और ईगल और साइड्स में एक पतली स्ट्राइप होती है। इंडियन आर्मी के JCO की सेकंड रैंक होती है सूबेदार। इनका इंसिग्निया होता है 2 गोल्डन स्टार विद अ स्ट्राइप और इंडियन नेवी के JCO की सेकंड रैंक होती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, इसे MPCO 2 भी बोलते हैं। इनका इंसिग्निया होता है गोल्डन सर्कल में एक गोल्डन एंकर और नीचे एक गोल्डन स्ट्रिप। इंडियन आर्म फोर्सेस के JCO बनने पर ये सभी सेकंड रैंक्स होती हैं। आइए अब जानते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की थर्ड रैंक्स के बारे में। थर्ड रैंक इंडियन एयरफोर्स के JCO की होती है मास्टर वारंट ऑफिसर। इनका इंसिग्निया नेवी ब्लू सर्कल में एक नेशनल एम्बलम और ईगल और साइड्स में एक मोटी स्ट्रिप होती है। इंडियन आर्मी के JCO की थर्ड रैंक होती है सूबेदार मेजर। इनका इंसिग्निया होता है गोल्डन नेशनल एम्बलम विद अ स्ट्राइप और इंडियन नेवी के JCO की थर्ड रैंक होती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, इसे MPCO 1 भी बोलते हैं। इनका इंसिग्निया होता है गोल्डन सर्कल में एक गोल्डन एंकर और नीचे 2 गोल्डन स्ट्रिप। इंडियन आर्म फोर्सेस के JCO बनने पर ये सभी थर्ड रैंक्स होती है। आइए अब जानते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की फर्स्ट रैंक्स के बारे में। फर्स्ट रैंक इंडियन एयरफोर्स के NCO की होती है एयरक्राफ्ट्समैन। इनका इंसिग्निया 2 ब्लेड प्रोपेलर होता है। इंडियन आर्मी के NCO की फर्स्ट रैंक होती है लांस नैक। इनका इंसिग्निया होता है सिंगल रैंक शेवरॉन और इंडियन नेवी के NCO की फर्स्ट रैंक होती है सीमैन। इनका कोई इंसिग्निया नहीं होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस के NCO बनने पर ये सभी फर्स्ट रैंक्स होती हैं। आइए अब जानते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की सेकंड रैंक्स के बारे में। सेकंड रैंक इंडियन एयरफोर्स के NCO की होती है कॉर्पोरल। इनका इंसिग्निया 2 रैंक ब्लैक शेवरॉन्स होता है। इंडियन आर्मी के NCO की सेकंड रैंक होती है नेक। इनका इंसिग्निया होता है 2 रैंक येलो शेवरॉन्स और इंडियन नेवी के NCO की सेकंड रैंक होती है लीडिंग सीमैन। इनका इंसिग्निया होता है सेलर्स एंकर। इंडियन आर्म फोर्सेस के NCO बनने पर ये सभी सेकंड रैंक्स होती है। आइए अब जानते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की थर्ड रैंक्स के बारे में। थर्ड रैंक इंडियन एयरफोर्स के NCO की होती है सार्जेंट। इनका इंसिग्निया 3 रैंक ब्लैक शेवरॉन्स होता है। इंडियन आर्मी के NCO की थर्ड रैंक होती है हवालदार। इनका इंसिग्निया होता है 3 रैंक येलो शेवरॉन्स और इंडियन नेवी के NCO की थर्ड रैंक होती है पेटी ऑफिसर। इनका इंसिग्निया होता है नेशनल एम्बलम एंड 2 क्रॉस्ड सेलर्स एंकर। इंडियन आर्म फोर्सेस के NCO बनने पर ये सभी थर्ड रैंक्स होती हैं। तो दोस्तों आप कौन सी सेना ज्वाइन करना चाहेंगे, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।